बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट कर दागे गए मिर्ची स्मोक बम, रमन सिंह बोले घटना से छत्तीसगढ़ को कलंकित किया। सीजी के एम्स में ही होगा नार्को टेस्ट, सच उगलवाने वाली नई मशीनें पहुंची, गृह मंत्री ने कहा दुर्ग में फॉरेंसिक साइंस कॉलेज का प्लान। महासमुंद में दम घुटने से 5 मजदूरों की हुई मौत, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। रायगढ़ में धरने पर बैठी 3 महिलाएं, मुआवजे को लेकर किया धरना प्रदर्शन। अंबिकापुर में नगर निगम कमिश्नर प्रतिष्ठा ममगई के दिखे सख्त तेवर, अतिक्रमण पर कार्रवाई के दिए गए निर्देश। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लोगों के मुद्दे उठाकर भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है और विधानसभा घेराव के दौरान भाजपा ने प्रदर्शन में उन हितग्राहियों को मंच पर जगह दी जिन्हें पीएम आवास नहीं मिल पाया। भाजपा ने उनके प्रति सहानुभूति जताई, साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनते ही पीएम आवास पहली प्राथमिकता होगी। पीएम आवास से वंचितों को साथ में लेकर भाजपा ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल भर दिया है। यहां सभी बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाने के साथ ही भाजपा को एक बार फिर मौका देने की बात कही। प्रदर्शनकारियों को विधानसभा जाने से रोकने के लिए पुलिस ने पंडरी स्थित नाला से लेकर जीरो पॉइंट और सेमरिया तक बैरिकेड लगाए थे। प्रदर्शन के दौरान आम लोगों को भी विधानसभा की ओर जाने नहीं दिया गया। विधानसभा थाना क्षेत्र में जाने और आने वाले रास्ते में लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्हें जिस रास्ते से भेजा गया वह उस रास्ते पर भटकते रहे। लोग तेली बांधा और विधानसभा क्षेत्र में फंसे रहे। प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन भी प्रदर्शनकारियों को रोकने में कामयाब नहीं हो सका। बस्तानार में कलेक्टर चंदन कुमार ने सरकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बस्तानार के समीप बन रहे रेस्ट हाउस, इरपा के देवगुड़ी, मूतनपाल के स्वास्थ्य केंद्र, उचित मूल्य की दुकान में राशन की उपलब्धता, अमृत सरोवर के कार्य, बड़े किलोपल में संचालित आईटीआई भवन और अन्य भवन के विकास कार्यों और निर्माणाधीन ग्रामीण औद्योगिक पार्क का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने देवगुड़ी के चल रहे काम को समय सीमा से पहले कर परिसर में सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण करने के भी निर्देश दिए। जगदलपुर में कलेक्टर चंदन कुमार ने जिला स्तरीय परामर्शदर्शी एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक की, जिसमें उन्होंने बैंकर्स और विभागीय अधिकारियों को कृषि, उद्योगिकी, पशुपालन, मछली पालन आदि गतिविधियों के साथ ही स्वरोजगार स्थापना के लिए लोन की समस्याओं के जल्द निरीक्षण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने लोगों का जनधन खाता खुलवाने के साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा का कवच उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर उसके नामित को राशि का भुगतान करने के लिए बैंक अधिकारियों को स्वयं आगे बढ़कर पहल करने की आवश्यकता भी बताई। जगदलपुर में कलेक्टर चंदन कुमार ने क्षय रोगियों को अतिरिक्त पोषण आहार सामग्री वितरित किया और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीवी मुक्त बस्तर, टीवी मुक्त छत्तीसगढ़, टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत कलेक्टर और रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला अध्यक्ष चंदन कुमार ने बड़े किलोपल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 क्षय रोगियों को पोषण सामग्री को वितरित किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि टीवी के मरीजों का चिन्हांकन और उपचार के लिए विशेष प्रयास प्रारंभ किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 दिन से अधिक खांसी होने पर
बलगम की जांच करना जरूरी है। जगदलपुर में एक युवा हाथ में तलवार लिए धर्मपुरा के नवोदय विद्यालय चौक के पास लोगों को भयभीत कर रहा था, तभी आनन फानन में आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है, युवक के पास से लोहे की तलवार बरामद की गई है। जितेंद्र सिंह मीणा सर के नेतृत्व में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती निवेदिता पॉल मैडम के मार्गदर्शन में बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 22 वर्ष है, नाम विवेक दास मानिकपुरी, जो धर्मपुरा नवोदय विद्यालय के पास तलवार रखा हुआ है। सूचना प्राप्त होने पर कोतवाली पुलिस के द्वारा तस्दीक करने पर जगदलपुर में नौकरी के नाम पर ठगी करने वालों पर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि एक प्रार्थी को लेबर यूनियन मजदूर कल्याण संघ के अध्यक्ष से पता चला कि इनके कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर और भृत के पद के लिए वैकेंसी निकली है और कहा गया कि ऑपरेटर पद के लिए 1.5 लाख रुपए लगेगा। और इसी प्रकार अन्य लोगों से भी लेबर यूनियन मजदूर कल्याण संघ के अध्यक्ष और वहां के सहयोगियों ने मिलकर कंप्यूटर ऑपरेटर और भृत के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर कुल 21 लाख रुपए नगद लेकर धोखाधड़ी की। रिपोर्ट पर अध्यक्ष और उसके स्टाफ के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली में धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया है। साहू जिसने बताया कि शिकायत किया कि मार्च 2022 में लेबर यूनियन मजदूर कल्याण संघ के अध्यक्ष के द्वारा इसे नौकरी लगाने के नाम पर पैसे की मांग की गई है। 1.5 लाख रुपए उसने मांग किए और कहा कि जो कंपनी है उसमें भृत एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर भर्ती की जाएगी। तो इसने पैसे दिए तो फिर 8-9 महीने काम कराने के बाद जब इसे वेतन नहीं दिया गया तब इसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस के द्वारा जांच की गई है। जांच पे ये पाया गया कि इस तरीके कबीरधाम के गुरुकुल पब्लिक स्कूल में 4 साल की मासूम छात्रा से दुष्कर्म के मामले में एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। बता दें कि इस मामले में रविदास समाज के लोगों ने भारी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एक बार फिर प्रबंधन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा स्कूल की मान्यता रद्द करने और दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तत्काल फांसी देने की भी मांग की गई है। ज्ञापन दिया गया है कि गुरुकुल प्रबंधन समिति एवं अन्य दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस संबंध में पुलिस के द्वारा जांच करके कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं और जांच समिति की जो रिपोर्ट है वो पुलिस को भेजा जा चुका है और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है कार्रवाई की जाएगी। समाज वाले चाहते हैं सर कि कमेटी पर प्रबंधक जो है उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में जो पुलिस है वह जांच कर रही है कि उसके संबंध में कौन कौन दोषी करके जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस ये मांग रखे हैं। मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करते हुए दोषी को फांसी की सजा दी जाए, ये मांग रखे हैं। गुरुकुल पब्लिक स्कूल कवर्धा के स्कूल प्रबंधन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सभी सदस्यों को सह आरोपी बनाते हुए उनके ऊपर FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। आगामी 17/2023-24 से गुरुकुल स्कूल कवर्धा की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाए। मैं एक समाज सेवी हूँ। हमारे रविदास समाज की एक छोटी सी 5 साल की बच्ची के साथ अनाचार हुआ है, उसी विषय में आज सब लोग एकत्रित हुए हैं और शासन से यही मांग करते हैं कि सही जो भी नियम है उसके चलते अपना कार्रवाई करें। प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई नहीं होना तो आप किसकी लापरवाही मानते हो? शासन की लापरवाही है। ठीक।
बसना में ब्लॉक के ग्राम गढ़ फुलजर में संचालित ईंट भट्टे में दम घुटने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बसना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया। बता दें कि पूर्व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष का भाई ये अवैध ईंट भट्टा चला रहा था, तो वही मुख्यमंत्री ने इस पर दुख जताया है। साथ ही कलेक्टर ने दंडाधिकारियों पर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बसना थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर ने घटना की पुष्टि की है। कुंज बिहारी पांडे का जो गढ़पुंजर में ईंट बनवा के पकवा रहा था, तो इन लोग मजदूर लोगों से ईंट भट्टा को रचवाया। उसके बाद में मजदूर आग लगाने के बाद में उसमें सो गए, यदि तो आग फैलेगा नहीं तब तक सो जाते घर पे। तो सुबह जब देखे हैं कि कुछ लोग ईंट भट्टा के ऊपर सोए हैं, तो देखे तो उसमें से 4-5 लोग मृत हो गए थे। एक जो होश में था उसको हॉस्पिटल तुरंत लेके गए हैं और बसना से उसको रायपुर रेफर कर दिए हैं। भोई जी, आपके गढ़पुंजर में हादसा हुआ, कैसे हुआ? मेरे चाचा जो थे परिजन के साथ ईंट भट्टी में काम कर रहे थे, जो कि लास्ट दिन था, उसके कारण ना ऊपर में सोए थे, दम घुटने के कारण उसकी उन लोगों का मृत्यु हो गया जो एक रायपुर में रिफर है। कितने लोगों की मौत हुई है? मृत्यु 5 जन के रिफर हुई हैं, जो कि एक आदमी जो कि अपने परिजन से हैं वो रायपुर रिफर। गुर्जर में ईंट भट्टे में 6-7 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें 6 लोग कल काम कर रहे थे, जो कल रात को उनके साथ हादसा ऐसा हुआ है कि वो लोग काम करने के पश्चात जब उसमें आग वाग लगाए, आग लगाने के बाद वो लोग अपना खाना वाना खाने के पश्चात वो लोग विश्राम करने के लिए ईंट भट्टा के ऊपर ही विश्राम करना चालू कर दिए थे। गहरी निद्रा के चलते वो उठ नहीं पाए, और जहाँ तक हमको ये लग रहा है कि जो कोयला और भूसा का जो धुआं है, उस धुआं को बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग ले लिए थे, जिससे सांस फूलने की वजह से ये लोग इनकी मृत्यु हुई है। ईंटा भट्टी कल रात को शायद कल शाम को बनाए हैं, आग वाग लगाए हैं ईंटा भट्टी के ऊपर में, वो लोग 5 आदमी 6 आदमी सो गए थे, उसके बाद 5 ख़त्म हो गए हैं, एक घायल हुआ है, उसको रायपुर रेफर कर दिए हैं। तो ईंटा भट्टा किसका है? कुंज बिहारी पांडे। तो ये लाइसेंसी ईंटा भट्टा है कि अवैध है? मेरे को नहीं पता। तो ये मरने वाले सब आपके गाँव के हैं? गाँव के हैं। रायपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर 3 महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। बता दें कि तीनों महिलाएं रायपुर के जिंदल पास ग्राम चिराई पानी की रहने वाली हैं। धरने पर बैठी हुई महिलाओं का कहना है कि उनकी पुरानी मंदिर की चीजों को तोड़ दिया गया, जिसका मुआवजा करीब 1,36,00,000 का है, जिसके चलते इन महिलाओं का जीना दूभर हो गया है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। कई बार कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकलने पर उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जब इसकी सूचना जिला प्रशासन तक पहुंची, तब मौके पर SDM गगन शर्मा पहुंचे और उन्होंने महिलाओं को समझाइश दी। उनकी हर जायज मांगों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा और जो भी सहयोग जिला प्रशासन से बन पड़ेगा उन्हें दिया जाएगा। उसका खसरा नंबर लिख दिया जाता है, ये वाला प्लॉट है, इसमें लिखते हैं ये कितने बाय कितने का प्लॉट है और उसके चारों तरफ किसका किसका नाम है, उत्तर में इसका घर, दक्षिण में सड़क, पूरब में ये, पश्चिम में वो, तो घर में जमीन है वहाँ पास कहीं का किसी ऐसे का खसरा नंबर नहीं लिखते। अंबिकापुर में नगर निगम कमिश्नरेट प्रतिष्ठा ममगई का सख्त तेवर देखने को मिला। बता दें कि शहर में ट्रैफिक अव्यवस्थाओं के बीच रोजाना अंबिकापुर के गुदरी बाजार में जाम की स्थिति देखने को मिलती थी, जिसके चलते व्यस्त मार्गों पर नगर निगम कमिश्नर प्रतिष्ठा ममगई ने सभी दुकानदारों के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने सहित ठेला गुमटियों को भी व्यवस्थित करने के लिए नोटिस दिया, जिसके बाद अतिक्रमण नहीं हटाए जाने वाले लोगों पर आज अंबिकापुर शहर के गुदरी बाजार के पास दुकानों के सामने नालियों पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान तहसीलदार, पुलिस बल सहित नगर निगम के आला अधिकारियों को अतिक्रमणियों का सामना करना पड़ा, जहां 7 दुकानों में से 5 दुकानों को आगामी समय तक के लिए सील कर दिया गया है। वहीं नगर निगम के द्वारा बार बार नाली पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को समझाइश दी जा रही है, जिससे कि नालियों में जाम की स्थिति निर्मित ना हो। इधर स्थानीय लोगों भी कार्रवाई को सही मान रहे हैं, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुगम हो सके। जाम नहीं होना चाहिए, मतलब खुला रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्या लगता है, अभी पहले आते थे, पहले देखते थे?
हाँ, पहले कुछ जाम होता था हमारे, चौड़ीकरण हो जा रहा है, अतिक्रमण हट जा रहा है, तो इससे क्या लग रहा है? ये अच्छा है, अतिक्रमण मतलब होना, जाम नहीं होगा जो है वो परेशान कर रहा था। ये जो चौड़ीकरण हो गया वो अच्छा हो गया। अपना नाम बताइए। दिवाकर प्रसाद। ये जो चौड़ीकरण हुआ है इससे कितने संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट है इससे। कितना दिक्कत होता था पहले? बहुत दिक्कत होती थी, यानी हमेशा एक्सीडेंट होने का भय बना रहता था, बहुत दुरुस्त एकदम बिल्कुल चरमराया हुआ था उस समय। आज जो हुआ है ये, उससे अब लगता है कि बहुत अच्छा हो गया है और आने वाले समय पे अच्छा ही होगा। प्रशासन कार्य हमेशा करते रहने चाहिए, ऐसे करना चाहिए प्रशासन को कार्य। एक चौक है जो गुदड़ी चौक है, यहाँ पे एक मेजर चौक पॉइंट बन जाता है ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए, नाली पे जब अतिक्रमण होता है उसके दो तीन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, ये चौक पॉइंट बन जाता है। दूसरा, नाली पे जो बाधा जो होती है, जिससे उसमें अंदर नाली का फ्लो बाधित हो जाता है, और फिर वो चीज़ जो है उसमें सफाई नहीं हो पाती। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मलबा इतना इकट्ठा हो जाता है कि वो चीज़ आगे जाके बारिश के टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो ये एक तरीके से जब नालियों पे भी अतिक्रमण पे कार्रवाई कर रहे हैं, तो आगामी बारिश के मौसम को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं। बस्तर में पुलिस एक्शन मोड में दिखी। बता दें कि पुलिस ने फिल्मी तरीके से गांजे की तस्करी करते हुए तीन युवकों को पकड़ा। जानकारी के मुताबिक आरोपी बस में तस्करी कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तत्कालीन कार्रवाई करते हुए अपराधियों को धर दबोचा। जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रही महिंद्रा बस को चेकिंग करते समय एक संदेही व्यक्ति रोहित शुक्ला उर्फ राजा निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश का मिला, जिसके पास चार बैग में कुल 37 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद की गई। इस व्यक्ति से पूछताछ के दौरान पता चला कि इसके अन्य दो साथी सतीश कुमार पटेल निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश और सुधीर सिंह उर्फ बाबा निवासी रीवा मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।